चक्रवात दाना का असर अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। परिस्थिति सामान्य होने के साथ ही सियालदह दक्षिण शाखा में इस वक्त लोकल ट्रेन की सेवाएं भी शुरू हो चुकी है। चक्रवात दाना के प्रभाव से बचने के लिए लंबे समय तक ट्रेन संचालन बंद कर दिया गया था, लेकिन आखिरकार सियालदह दक्षिण शाखा पर लोकल ट्रेन की सेवाएं एक बार फिर से बहाल कर दी गई हैं। इस खबर के सामने आने के बाद यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, पर अब आखिरकार सियालदह दक्षिण शाखा पर लोकल ट्रेन सेवाएं एक बार फिर से शुरू कर दी गई है, जिससे ट्रेन सेवाओं के बहाल होने से यात्रियों को राहत मिली है, क्योंकि चक्रवात तूफान दाना की वजह से लोकल ट्रेनें बंद होने के कारण लोगों के दैनिक जरूरतों को लेकर आवागमन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। रेलवे अधिकारियों के अनुसार सेवाओं को सुचारू रूप से बहाल करने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं और अब सियालदह के साथ ही अन्य शाखाओं पर भी सामान्य स्थिति बहाली की उम्मीद की जा रही है। सोनारपुर लोकल ट्रेन को सियालदह के लिए छोड़ दिया गया है और अब कह सकते हैं कि लोकल ट्रेन की सेवा जो है वो सियालदह दक्षिण शाखा की शुरू हो चुकी है। चक्रवाती तूफान दाना के मद्देनज़र कल से ही लोकल ट्रेन की जो सेवा है वो बंद कर दी गई थी, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज सवेरे 10 बजे से एक बार फिर से सियालदह लाइन की ट्रेनें लोकल ट्रेनों को एक बार फिर से चालू कर दिया गया है। चक्रवात दाना का असर अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। परिस्थिति सामान्य होने के साथ ही सियालदह दक्षिण शाखा में इस वक्त लोकल ट्रेन की सेवाएं भी शुरू हो चुकी है। चक्रवात दाना के प्रभाव से बचने के लिए लंबे समय तक ट्रेन संचालन बंद कर दिया गया था, लेकिन आखिरकार सियालदह दक्षिण शाखा पर लोकल ट्रेन की सेवाएं एक बार फिर से बहाल कर दी गई हैं। इस खबर के सामने आने के बाद यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, पर अब आखिरकार सियालदह दक्षिण शाखा पर लोकल ट्रेन सेवाएं एक बार फिर से शुरू कर दी गई है, जिससे ट्रेन सेवाओं के बहाल होने से यात्रियों को राहत मिली है, क्योंकि चक्रवात तूफान दाना की वजह से लोकल ट्रेनें बंद होने के कारण लोगों के दैनिक जरूरतों को लेकर आवागमन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। रेलवे अधिकारियों के अनुसार सेवाओं को सुचारू रूप से बहाल करने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं और अब सियालदह के साथ ही अन्य शाखाओं पर भी सामान्य स्थिति बहाली की उम्मीद की जा रही है। सोनारपुर लोकल ट्रेन को सियालदह के लिए छोड़ दिया गया है और अब कह सकते हैं कि लोकल ट्रेन की सेवा जो है वो सियालदह दक्षिण शाखा की शुरू हो चुकी है। चक्रवाती तूफान दाना के मद्देनज़र कल से ही लोकल ट्रेन की जो सेवा है वो बंद कर दी गई थी, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज सवेरे 10 बजे से एक बार फिर से सियालदह लाइन की ट्रेनें लोकल ट्रेनों को एक बार फिर से चालू कर दिया गया है।